नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मीडिया। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुशांत सिंह राजपूत केस की। जी हां, सुशांत सिंह राजपूत बेशक से हम सभी को छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन अभी भी इस केस में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि कहीं ना कहीं ये साबित कर सकती हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या हुआ था। और इस वीडियो को आप सभी अंत तक देखिएगा। मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि सुशांत सिंह राजपूत का केस एक बार फिर से बहुत जल्द सुलझ सकता है, और सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ही इस केस में बहुत बड़े खुलासे करने वाली है। इसलिए आप सभी हमारे इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि सुशांत सिंह राजपूत केस में एक बार फिर से कहीं ना कहीं सीबीआई की टीम और एनसीबी की टीम रिया चक्रवर्ती से पूछताछ तहकीकात कर सकती है। दोस्तों, आप सभी को पता होगा रिया चक्रवर्ती इन दिनों अपनी निजी लाइफ में काफी व्यस्त नजर आ रही है। रिया चक्रवर्ती इन दिनों एक बार फिर से फिल्मों की तलाश में बॉलीवुड में काम करने की कोशिश कर रही है, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के जितने भी फैंस हैं वो रिया चक्रवर्ती को एक बार फिर से परेशान कर रहे हैं, और वो रिया चक्रवर्ती को किसी भी तरह से छोड़ना नहीं चाहते हैं। वो जानते हैं कि रिया चक्रवर्ती ने आज तक जितने भी कांड किए हैं वो एक्चुअल में ही काफी बड़े थे। लेकिन इसी बीच बहुत बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि सुशांत सिंह राजपूत के फैंस का मानना है कि रिया चक्रवर्ती से एक बार फिर से पूछताछ होनी चाहिए, क्योंकि रिया चक्रवर्ती को सुशांत सिंह राजपूत केस में बहुत सारी जानकारियां हैं, और रिया चक्रवर्ती अभी भी सुशांत सिंह राजपूत केस को सुलझाने में बहुत बड़ी मदद कर सकती है। लेकिन क्योंकि अभी तक रिया चक्रवर्ती ने इस केस में अपना मुंह नहीं खोला है, रिया चक्रवर्ती को बेशक से एक दो महीने तक जेल में भी जाना पड़ा था, लेकिन फिर भी रिया चक्रवर्ती ने सच्चाई नहीं बोली है, ऐसा सुशांत के फैंस का मानना है। मैं आपको बता दूं, रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत के सबसे करीब रहा करती थी, और कहा जाता था कि रिया चक्रवर्ती को ही सुशांत सिंह राजपूत केस में सबसे ज्यादा जानकारी है। लेकिन बावजूद इसके अभी तक रिया चक्रवर्ती को कोई बड़ी सजा नहीं मिली, और रिया चक्रवर्ती से एनसीबी की टीम ने सिर्फ और सिर्फ दो महीने पूछताछ करने के बाद ही पूरी तरह से रिया चक्रवर्ती को बरी कर दिया था। ऐसे में रिया चक्रवर्ती के ऊपर सवाल उठना बिल्कुल लाजमी था, और रिया चक्रवर्ती पर कई तरह के सवाल उठने लग गए थे। कहा यह जा रहा था कि रिया चक्रवर्ती ने जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत के साथ रिलेशनशिप बनाई और उसके बाद सुशांत को धोखा दिया, कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत इसी का शिकार हुए, और इसी वजह से सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन में जाने लग गए। पहले अंकिता लोखंडे ने सुशांत सिंह राजपूत को धोखा दिया ऐसा लगता है, और फिर रिया चक्रवर्ती ने भी शायद कुछ ऐसा ही किया, और इसी वजह से सुशांत सिंह राजपूत धीरे धीरे करके डिप्रेशन में जाने लग गए थे। मैं आपको बता दूं, सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो कुछ भी हुआ वो एक्चुअल में बहुत ज्यादा बुरा था। सुशांत सिंह राजपूत के फैंस भी पूरी तरह से टूट चुके हैं, और हर किसी का मानना है कि रिया चक्रवर्ती और अंकिता लोखंडे ने सुशांत सिंह राजपूत के साथ एक ही तरह की गेम खेली है। दोनों ने सुशांत सिंह राजपूत का कहीं ना कहीं फायदा उठाने की कोशिश की है, ऐसा सुशांत के फैंस का मानना है। उनका मानना है कि अगर अंकिता लोखंडे ने सुशांत का साथ दिया होता तो शायद रिया चक्रवर्ती कभी भी सुशांत की लाइफ में ना आती, और इसके बाद अगर रिया चक्रवर्ती ने सुशांत का साथ दिया होता तो शायद डिप्रेशन कभी भी सुशांत की लाइफ में ना आता। लेकिन हर किसी ने ऐसा लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत को यूज करके छोड़ा, और इसी वजह से सुशांत सिंह राजपूत को यह समझ में आ गया था कि यह पूरी दुनिया धोखेबाज है, और इसी वजह से सुशांत सिंह राजपूत अपने अंतिम दिनों में अपनी मां को बहुत ज्यादा याद कर रहे थे। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी मां की पोस्ट भी डाली थी, ऐसे लग रहा था कि सुशांत सिंह राजपूत अपने पेरेंट्स को याद कर रहे हैं, और इसी वजह से सुशांत सिंह राजपूत इस दुनिया को छोड़ने पर मजबूर हो गए थे, और सुशांत सिंह राजपूत ने अंत में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। हालांकि इस केस की जांच चल रही है, देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि सीबीआई कब तक इस केस में कोई बड़ा खुलासा करती है। तो यही था वीडियो में, वीडियो को लाइक करना, इसे शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।